हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी विद अ कॉन्ग्रेचुलेशन परमानेंट यूनियन जिनका हुआ है, जिनका कांटेक्ट हुआ है, जिनका हो सकता है कि आप लोगों का आज मिलने का प्रोग्राम हो या आपने कुछ अपने प्लान्स किए हो फ्यूचर को लेके, कुछ आपके पार्टनर के ने आपको लव अपना एक्सप्रेस किया है, कुछ को कमेंटमेंट आया है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो परमानेंट यूनियन जिनका हुआ है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनके अभी नहीं हुए हैं तो पूरा अभी मंथ पड़ा है तो कहीं नहीं गया मंथ, अभी भी पोर्टल ओपन है तो पूरा 26 तक ओपन रहेगा। जिनको अभी भी हीलिंग बुक करवानी वो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है जी। तो आपके पार्टनर बैलेंस करते हुए आपके साथ 5D लेवल पे मर्ज हुए हैं। कई लोगों की मर्जिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी, एसेंशन चल रहा था, डिमेंशन चेंज हुए हैं, और जिनके ये वाला पोर्टल सक्सेस हुआ है वो 6D लेवल पे जाने वाले हैं, ठीक है जी। अब से आपकी जो मेहनत है वो 6D लेवल पे जाएगी। आपको 6 नंबर अगर कनेक्ट करता है तो आप 6 डिमेंशन में अचीव कर रहे हो, आप वहाँ जा सकते हो। अगर आपके साथ कनेक्शन में आता है तो आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत है। 5D लेवल पे कॉन्ग्रेचुलेशन और 6D लेवल पे अचीवमेंट में भी कॉन्ग्रेचुलेशन। एस्ट्रल ट्रैवल की तैयारी है, आप अपना पास देख सकते हैं, अपना जितने भी आपके पास हो सकता है आपको डिवाइन आपके इंडिकेशन दे रहे हों आपके ड्रीम में, तो बहुत बड़ी आपको अचीवमेंट है। तो अगर 6 नंबर कनेक्ट होता है तो समझ जाइए ये आपके 6D लेवल का एस्ट्रल ट्रैवल का आपका तैयारी है। आपके पार्टनर अभी जो माइंड में एक लेके बैठे थे कि उनकी सब क्लियरिटी उनको मिल चुकी है, जो भी अपने माइंड में उनका फीड था सबकॉन्शियस माइंड की, अपने इंट्यूशन पावर को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। उनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, उनको इनर वॉइस उनकी गाइड कर रही है, डिवाइन इंडिकेशन मिल रहा है, सैक्रोनिसिटी मिलती रहती है, उन्हें बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ से जो गिफ्ट मिला है, ठीक है जी। आप लोगों को गिफ्ट भी है, पावर्स भी मिली हैं, अभी बहुत कुछ पावर्स मिलनी बाकी है, ठीक है। जब आप डिमेंशन चेंज करते हैं तो पावर्स भी मिलती हैं, आपको स्टोरी क्रिएट कर दी जाती है जब आपको पता लगता है कि आप 6D लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक है जी। और कुछ लोगों को बहुत बहुत होर कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ कम हैं अपने DF हैं जिन्होंने 8 डिमेंशन अचीव किया है, सी दैट अबाउट उनको 8 डिमेंशन अचीव किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। जिनको भी मिला है और उनको एक वॉरियर शील्ड गिफ्ट की गई है, जो कि अब उन्हें नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोग से, उनके जो नेगेटिव ऑरा जो भी अगर आसपास आता है तो उनसे प्रोटेक्शन मिलेगी, वो अपना बहुत अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे विदाउट कोई भी प्रोटेक्शन लिए बगैर, ठीक है जी। उनके पास हमेशा प्रोटेक्शन रहने वाली है क्योंकि वो वॉरियर है, वो अर्थ के लिए वर्कआउट करते हैं, ये उनका पर्पस होता है, इसीलिए उनको वो शील्ड दी जाती है, ठीक है जी। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में आपके साथ ग्रोथ करने का सोच रहे हैं। बैलेंस उन्होंने किया है 5D लेवल पे, 6 डिमेंशन में आपके साथ एस्ट्रल ट्रैवल में बहुत से अचीवमेंट मिलेंगी। आपको वो इंडिकेशन आपके एस्ट्रल ट्रैवल में दिया जाएगा कि वहाँ पर आपके आपको क्या उन्होंने इंडिकेशन देना है, वो अब आप और डिवाइन ही जानते हैं क्योंकि यहाँ पर सब अपना अलग हो जाते हैं। तो हो सकता है कुछ DF DM आज मुझे आपकी अर्ली मॉर्निंग ही एक क्राइंग एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि कुछ DF अभी भी वेट कर रही हैं अपने पार्टनर का कि कॉल मैसेज आया कि नहीं आया। और कुछ DF जो हैं जिन्होंने पेशेंसली अपने पार्टनर का वेट किया है, उनका भी आज थोड़ा सा इनपेशेंस होने का टाइम है कि वो हो सकता है कि आज वो क्राइंग एनर्जी में आ सकती है अपने पार्टनर को याद करते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी ये डिज़ायर है तो आपके पार्टनर की भी डिज़ायर है, और ये इसीलिए आपको आज क्राइंग एनर्जी फील हो सकती है। आपका लेफ्ट साइड आइज आज आपका भारी रह सकता है, आपको पेन हो सकती है, आपको हो सकता है कि हैवीनेस फील हो सकती है बॉडी में आपको, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर भी इसी पॉइंट में हो कि आप लोगों के बीच का भी जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन मोड चल रहा है, सेपरेशन नहीं है, हाँ मैं मतलब बोलते हैं सेपरेशन है लेकिन सेपरेशन नहीं है, ये इंप्रूवमेंट का टाइम होता है जब आप ग्रोथ करते हैं, ठीक है जी। आपके पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं आपको डिटैच करके, और आपको आगे के लिए ग्रोथ करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। तो हो सकता है DF DM आज आप इस क्राइंग एनर्जी को फील कर सकते हैं, और
हो सकता है आपके पार्टनर, देखो एकदम से मुझे भी खांसी सी आई, तो आपके पार्टनर आपको कुछ बोलना चाहते हैं या आपके सामने लाइव है जो भी मैं देखो चैलिंग बनाते बनाते ही आपके सामने मुझे एकदम से थॉट मेरा ब्लॉक हो रहा है। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको कुछ अपने फीलिंग शेयर करना चाहते हैं और अभी तक नहीं किया है तो कर भी सकते हैं। कभी भी आपको कॉल मैसेज आ सकता है, आपको ऑफर कमिटमेंट सब कुछ आ सकता है, आपके पार्टनर बोलने के रेडी हैं, लेकिन अभी हो सकता है क्लिनजिंग चल रही है आपकी थॉट चक्र की, तो इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं या सिचुएशन क्रिएशन ऐसे कुछ है बीच में जो अभी भी ब्लॉकेज बना हुआ है। कभी भी रिमूव होके क्लिनजिंग होके आपके पास आ सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉल मैसेज करना चाहें अपने पार्टनर को कर सकते हैं, अगर कोई ट्रिगर मिलता है तो उस इशू को हील कर लीजिए, अभी ये पोर्टल में अभी बचा है, आप अच्छे से काम कीजिए, अभी बैलेंसिंग का टाइम चल रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपको ट्रिगर मिल भी रहा है तो अच्छा है ना कि आपको काम करने को मिला, आपकी ब्लॉकेज दूर होगी इससे। तो नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सब अच्छे के लिए होता है, सब डिवाइन जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपने अकॉर्डिंग ही वो अपने आपको उसके अकॉर्डिंग ही तैयार करते हैं, जैसे आपको प्रॉपर वे से आपको जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट मिले। तो आपके पार्टनर कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं और ये थ्रॉट ब्लॉक की क्लिनजिंग चल सकती है और साथ में आपका आज हैंडक भी हो सकता है, थोड़ा सा आपका आइस भारी रहने वाला है और नेक भी भारी होने वाला है, जब आपको लग सकता है कि देखो मुझे भी बोलने में तकलीफ हो रही है, एकदम से थ्रॉट ब्लॉक हुआ है, तो इंडिकेशन आपके सामने है कि आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं नहीं बोल पा रहे हैं। हो सकता है वो इनपेशेंस होके वो भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, अगर आप आज पेशेंस होने वाली हैं तो वो भी खो सकते हैं, तो अब कुछ भी हो सकता है, ये मिरेकल है, कुछ भी हो सकता है। तो अब तक की ये थी करंट एनर्जी और एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।